दिन ब दिन जो है हमारी जो दुर्दशा वो बदतर से बदतर हो रही है। गवर्नमेंट से ये ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, लेकिन अभी तक इस ज्वाइनिंग लेटर का क्या करें, ये बेरोजगार हो चुके हैं। 5 साल पहले से ही वैकेंसी को हो गई है, तो क्या 10 साल तक वेट ही करते रहे? पहले वैकेंसी निकाली थी तो अब वो वैकेंसी कहाँ गई 5 साल की खाली? या तो सरकार को 5 साल पहले वैकेंसी नहीं निकालनी थी। कहा जा रहा है कि देखो तुम्हारे पास जो अब हमारे पास सीटें नहीं है, तो ऐसे हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसे तो ये अपने चुनाव के साथ तो नहीं करते। वहाँ से तो इतना प्रताड़ित है, अगर उनको कॉल भी करें तो वहाँ से जवाब आता है भी अगर आपने हमें तंग किया तो आपकी जो है जो कैंडिडेट है वो रद्द कर दिया जाएगा। कैंडिडेट जो है वो कब तक इंतजार करे, किस बेस पर इंतजार करे? हमारे पास मैम कुछ भी नहीं है, हम तो बिना पिंदे के लौटे हैं। वो कभी इधर उड़का दिया जाता है, कभी इधर लुड़का दिया जाता है। हमको जॉब चाहिए बस। ज्यादातर हम में से विद्यार्थी हैं, कई किसानों के बच्चे हैं जिनके पास ना तो वो अपनी खेती कर पा रहे हैं ना वो पढ़ाई कर पा रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार तो बहुत दूर की बात, 2 लाख भी नहीं दे रहे। तो ये हमारा भाई है, इसकी बच्ची भी बीमार है, इसके इलाज के लिए भी इसके पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरानी नौकरी जो ये करता था वो ये गवर्नमेंट को NOC देने के चक्कर में और रेजिग्नेशन देने के चक्कर में छोड़ चुका है। ये रेलवे मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन दे चुके हैं, कम से 500 एप्लीकेशन से ज्यादा हम दे चुके हैं। इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे जो प्रदर्शन करने आए हैं, यहाँ पे जंतर मंतर पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे आए हैं। हम आपको पोस्टर दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर डिवीजन में वैकेंसी नहीं तो हमारी क्या गलती, तो उसी को लेकर ही आए हैं। बातचीत करते हैं, क्या मुद्दा है इनका जिसको लेकर इन लोगों को जंतर मंतर पे ऐसे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सर पहले बताइए, मतलब किस लिए आए हैं यहाँ पे? जी मैम, हमारा सभी का सिलेक्शन 2019 की एक वैकेंसी थी रेलवे के द्वारा स्टेशन मास्टर की निकाली हुई, और हमारा सभी का मेडिकल और फिजिकल जितनी भी प्रोसेस हैं रेलवे के द्वारा दिसंबर 2022 तक कंप्लीट हो चुके हैं। और हमने रेलवे को हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं और एक इंडेमनिटी बॉन्ड होता है वो हम सारा सबमिट कर चुके हैं। इसके बावजूद हम लोगों में से 899 लोग थे टोटल, जिसमें से 400 लोगों को अभी तक रेलवे ज्वाइनिंग करवा चुका है और ज्वाइनिंग लेटर हम सबके पास है। ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को दे दिया गया है, लेकिन अब तक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर है जो इन लोगों को दे दिया गया है, लेकिन 1 साल से अभी तक इनको कुछ उस पर रखा नहीं गया है। तो क्या दिक्कतें हैं, क्या क्यों नहीं लिया गया आपको? जी जनवरी 2023 में मोदी जी के द्वारा एक रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें हम सभी को एक मैसेज दिया गया। इस मैसेज के द्वारा ये बताया गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड एज SM और जो भी हमारा बोर्ड है। लेकिन आज इस बात को लगभग 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं, ना तो हमारे पास कोई ज्वाइनिंग है, ना हमारी कोई ट्रेनिंग हो रही है, ना हमारे पास सैलरी आ रही है। और इसके बावजूद यदि हम हमारे SWR जोन में जाते हैं तो वो हमसे ये कहते हैं कि आप दिल्ली से लिखा कर लाओ, क्योंकि हमारे पास वो सीट है नहीं। दिल्ली वाले अगर बोलेंगे तो हम आपको पोस्टिंग भी दे देंगे और ट्रेनिंग भी दे देंगे। जब हम दिल्ली आते हैं तो ये कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं है, हमने SWR जोन में एक GM बैठा रखे हैं, आप उनसे जाके मिलिए। हम वहाँ जाते हैं तो हमें दिल्ली भेजा जाता है, दिल्ली जाते हैं तो हुबली भेज दिया जाता है, हमें बीच में पीसा जा रहा है। और अभी तक आप लोगों को लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, लेकिन अभी तक कुछ ट्रेनिंग वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं हुई है। ये ज्वाइनिंग लेटर है इनका, गवर्नमेंट से ये ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, लेकिन अभी तक इस ज्वाइनिंग लेटर का क्या करें? ये 1 साल पहले आ चुका है, जब सैलरी और कुछ ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई तो इसका क्या फायदा है? पीछे इस पर डेट भी है 25/11/2023 का ये ज्वाइनिंग लेटर है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी ना कोई सैलरी और ना ही ये ट्रेनिंग पर गए हैं बच्चे, बस बैठे। बाकी जॉब में भी जो थे उनको वहाँ से रिजाइन करवा लिया गया है, लेकिन ना तो इस जॉब को ज्वाइन करवा रहे हैं और वो पहले की जॉब थी उनको भी वहाँ से भी वो बेरोजगार हो चुके हैं। तो 10 महीने हो चुके हैं लगातार, तो 10 महीने से फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे मैम, ऐसे ही घर परेशान नहीं, हम प्रोसेस कर रहे हैं। एक बार में एक व्यक्ति का 5,000 रुपये खर्चा आता है हुबली जाने का। हम लगभग 150 लोग अभी जुलाई में जाकर आए थे। जो खर्चा है वो लोग आप खुद ही उठा रहे हैं अपने खर्चे? हमें हमारे रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से और घर वालों से मांगना पड़ रहा है। हम तो पुरानी जॉब छोड़ चुके हैं। हम ज्यादातर हम में से विद्यार्थी हैं, कई किसानों के बच्चे हैं जिनके पास ना तो वो अपनी खेती कर पा रहे हैं ना वो पढ़ाई कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें ये कहा गया है कि हम स्टेशन मास्टर हैं, जो हमारे लिए एक तरीके से बहुत गर्व की बात है कि हम हमारे भारत देश की सेवा में हमारी जो भी जिंदगी है हम पूरी गुजारने के लिए तैयार हैं सभी। लेकिन हमारे साथ जो किया जा रहा है वो देश की जनता भी देखे कि हमारे 6 साल हमने रेलवे को दिए हैं, 2019 से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं,
और आज लगभग 2023 पूरा होने वाला है और आज की तारीख तक भी हमारे पास कोई हमें ये बताने वाला नहीं है कि हमारी ट्रेनिंग कब होगी, हमारी नौकरी भी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि रेलवे ये कहता है कि 3 साल बाद आपका मेडिकल हम दोबारा लेंगे और अगर आपने वो पास नहीं किया तो आपकी वैकेंसी विड्रॉ कर ली जाएगी। 1 साल हमें हो चुका है मेडिकल दिए और 2 साल हमारे और बाकी बचे हुए हैं। लगभग हम में से सभी लोग 30 से 32 साल की एज के हैं, जिनकी उम्र भी निकली जा रही है, शादी ब्याह कुछ के हो चुके हैं, कुछ के अभी तक नहीं भी हुए हैं और जिनके बच्चे हैं वो लोग अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। ये हमारा भाई है, इसकी बच्ची भी बीमार हैं, इसके इलाज के लिए भी इसके पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरानी नौकरी जो ये करता था वो ये गवर्नमेंट को NOC देने के चक्कर में और रेजिग्नेशन देने के चक्कर में छोड़ चुका है। अब इसके पास मेहनत मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मेहनत मजदूरी भी ये कर नहीं सकता क्योंकि अगर इसने कुछ ऐसा किया तो ये मेडिकल डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, क्योंकि रेलवे के अनुसार हमें हमारे शरीर का भी उसी तरीके से पूरा ध्यान रखना है जैसे हमें हमारे कर्तव्य का ध्यान रखना है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हम में से एक भाई का देखो ये SSC GD का भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, लेकिन उसके चक्कर में स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन होने के लिए उसने ये जॉब भी स्किप कर दी, लेकिन 1 साल से वेट कर रहे हैं। अब ना तो इसमें ज्वाइनिंग हो रही है और ये इस जॉब को भी छोड़ चुका है। तो आप लोगों ने सरकार से अपील नहीं करी है क्या इस बारे में? बहुत बार किए, रेलवे मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन दे चुके हैं, कम से 500 एप्लीकेशन से ज्यादा हम दे चुके हैं, ग्रीवेंस डालते हैं। ग्रीवेंस में ये आती है कि इसकी पैनल की वैलिडिटी 2 साल है, आपको हम जैसे जैसे 2 साल में आपका नंबर आएगा वैसे बुला लेंगे। अब देखो 50 का बैच आ रहा है, अगर 50-50 का बैच 4 महीने के गैप पे आएगा तो 500 बच्चों के 10 बैच बन गए, तो कितने और 4 साल चले जाएंगे और 5 साल पहले से ही वैकेंसी को हो गई है, तो क्या 10 साल तक वेट ही करते रहे? 3 साल बाद इतना स्टैंडर्ड का मेडिकल होता है, 3 साल बाद ये सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं स्ट्रेस में, अगर गलती से इनकी आंखें कमजोर हो गई और ये वापस से मेडिकल देते हैं, वहाँ और भी किसी कारण से अनफिट हो जाते हैं, तो क्या जॉब में लगने के बाद भी फिर वापस बेरोजगार हो जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है मैम। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हम एक और पोस्टर देख रहे होंगे कि अगर डिवीजन में सीट नहीं तो डाइवर्जन करो, लेकिन मतलब आपको डाइवर्जन चाहिए ही चाहिए? डाइवर्जन मैम हमें जॉइनिंग, अगर हमको जॉब चाहिए बस, हमें या तो हमें हुबली में दे दो, हुबली में नहीं मिले तो हमें अदर जोन में दे दो। क्योंकि ये बताओ सरकार को, जब 5 साल पहले वैकेंसी निकाली थी तो अब वो वैकेंसी कहाँ गई 5 साल की खाली? या तो सरकार को 5 साल पहले वैकेंसी नहीं निकालनी थी, 5 साल पहले वैकेंसी निकाल के अब हम लोगों से कहा जा रहा है कि देखो तुम्हारे पास जो अब हमारे पास सीटें नहीं है, तो ऐसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है 1 साल से। और हम लोगों को घर वालों के तो ताने हैं, समझो अब तो घर वालों को हम लोगों पे शक होने लगा है मैडम, रिश्ते वाले आ रहे थे वो भी बंद कर दिए, अब हम लोगों से मतलब एक स्टेशन मास्टर का जॉब मिल गया तो अब तो पढ़ाई भी नहीं होती, अब समझो स्टेशन मास्टर होकर बेरोजगार हो गए। लेकिन रेलवे तो प्राइवेट कर दिया गया ना, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट जॉब करें आप। नहीं, प्राइवेटाइजेशन मैम एक अलग मुद्दा है मैम, हमारी वैकेंसी जो है वो एक ऑथेंटिक तरीके से जो है वो कंडक्ट करवाई गई है, एक कंपनी के थ्रू कंडक्ट कराई गई है, करोड़ों टीचर्स ने हमारा एग्ज़ाम लिया था, ठीक है, करोड़ों बच्चों में से हम 900 जो कैंडिडेट जो उनकी वैकेंसी थी SM की वो सिलेक्ट होके आए हैं। तो मैम यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का तो कहीं मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारे जो साथी हैं जो हमारे बीच में से 900 कैंडिडेट्स में जो जिनके लगभग तकरीबन 400 कैंडिडेट हैं उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो मतलब आपसे जो बाद वाले कैंडिडेट उनकी ज्वाइनिंग जो मेरिट के अनुसार जो हमारे जो साथी कैंडिडेट थे 900 में से उनके लगभग 400 कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग कर ली, और 400 कैंडिडेट के ज्वाइनिंग करवाने के बाद वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है वो वैकेंसी इशू है। तो कुछ वजह बताई, वैकेंसी इशू बता रहे हैं बस वैकेंसी नहीं है, हमारे पास जितने कैंडिडेट हमें चाहिए थे उतने हमने ले लिए, और अब जैसे जैसे वैकेंसी रेज होगी हमारे पास होगी आपको बुला लिया जाएगा। तो हम चाहते हैं अभी मैम, हाँ, तो ऐसा ही एक मुद्दा जो सिकंदराबाद जोन में चंडीगढ़ जोन में था वैकेंसी का इशू, तो उन्होंने मैम अपने कैंडिडेट्स को दूसरे जोन में डाइवर्जन कर दिया था। अगर हमारे जोन में रियल के अंदर अगर वैकेंसी इशू है तो मैम हमारा डाइवर्जन कर दो, हमारे जो इतने भी बचे हुए कैंडिडेट हैं वो आराम से अपनी दिनचर्या वो किसी भी जोन में आराम से काट सकते हैं, बस हमें जो है डाइवर्जन करवा के एक बार जॉब दे दो, क्योंकि सभी कैंडिडेट लोअर मिडिल फैमिली से संबंधित है मैम, कोई भी घर से इतना प्रिपेयर नहीं है भी वो बार बार इधर उधर चक्कर लगाए, और मैम वहाँ से तो इतना प्रताड़ित है, अगर उनको कॉल भी करें तो वहाँ से जवाब आता है भी अगर आपने हमें तंग किया तो आपके जो कैंडिचर है वो रद्द कर दिया जाएगा, कैंडिचर भी रद्द करने की मैम अब बच्चा
होता है मैम क्या करें, एक तो 5 साल वैकेंसी को इन्होंने डिले कर दिया ऑलरेडी, और ऊपर से ये भी खबरें आ रही है अभी नई वैकेंसी निकलेगी। मैम पिछले हम जो है हमारे जो भाई जो नई तैयारी कर रहे हैं उनसे आग्रह रहेगा हमारा, सिर्फ यही विनती है कि वो हमारी इस मुहिम में हमें हमारा साथ दें, क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग होगी तभी आगे वैकेंसी अराइज होगी, नहीं तो कल को रेलवे यही जो सिस्टम हमारे प्रक्रिया कर रही है ऐसी प्रक्रिया उनके साथ करके कोई और दोबारा इस प्रक्रिया से ना गुजरे। हमारी गुजारिश है सभी आप मीडिया के थ्रू, बस हम इतनी अपनी मांग चाहते हैं मंत्रालय तक, हमारे जो बोर्ड है बोर्ड अधिकारी तक, हम माननीय अधिकारियों जी से यही मांग चाहते हैं भी सर। तो ये 10 महीने हो चुके हैं, इससे पहले भी आपने कोई प्रदर्शन करा था? मैम हम हुबली भी गए थे, हुबली लगभग 2-3 बार गए, हमारे पास फोटो है, वहाँ पर शांतिपूर्वक हमने धरना दिया था, पर वहाँ से भी वो बोले भी आप दिल्ली से हमें लिखित में लेके आओ। फिर दिल्ली आए तो आप लगभग 4 अक्टूबर को हम रेल मंत्रालय जी के पास भी, रेल मंत्रालय के पास वहाँ गए थे भवन के, और तो वहाँ पर हमें बोला गया भी आप एक लीगल तरीके से आप अथॉरिटी लेके आओ, जंतर मंत्र में प्रदर्शन करो, और हमें मैम मिलने भी नहीं दिया जा रहा। ठीक है, अगर हमारी बात वो कहते हैं भी एक आप लेटर दो और टाइप करके हम दे देते हैं, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो मैम कैंडिडेट जो है वो कब तक इंतज़ार करे, किस बेस पर इंतज़ार करे? हमारे पास मैम कुछ भी नहीं है, हम तो बिना पिंदे के लौटे हैं, वो कभी इधर उड़का दिया जाता है, कभी इधर लुड़का दिया जाता है। मैम कहीं स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए, एटलीस्ट हमारे पास रोज़गार होते हुए भी बेरोज़गार है, बस हमारी दो ही मांगे हैं, बस एट लास्ट हम यही चाहते हैं भी सरकार हमारी मांग सुने, हमारे युवाओं की बात सुने, ताकि हम भी आगे जो है, ये रहा मैम, ये हमने हुबली जो है, हमने जीएम ऑफिस में हुबली के अंदर जो है वो धरना प्रदर्शन किया था, ठीक, लेकिन वहाँ तक वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी लेटर नहीं आया, हमारे पास अभी तक कोई शेड्यूल नहीं है भी आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। मैम जो दिन ब दिन जो है हमारी जो दुर्दशा है वो बदतर से बदतर हो रही है। मैम मानसिक प्रताड़ना है, ओबियसली जो एक इंसान है, मैम इंसान है तो सोसाइटी सामाजिक आर्थिक पारिवारिक सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। आज का अगर युवा इतना स्ट्रेस में अभी रहेगा तो मैम बताओ रोजगार से बेरोजगार होने। सरकार ने जो 2 करोड़ वो रोजगार देने का वो कहा था, उसमें से आपको कुछ नहीं मिला है क्या? मैम रोजगार कहाँ दे रहे हैं मैडम, 2 करोड़ रोजगार तो बहुत दूर की बात, 2 लाख भी नहीं दे रहे हुए तो हर साल के, इस साल बाद 10 लाख का किया हुआ था कि 10 लाख रोजगार देंगे, दो चुनाव से पहले 10 लाख का 1 लाख भी जो रोजगार, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं मेल पे, रोजगार मेले में जो हमारी जो वैकेंसी है ना इसको ही बार बार दिखा दिखा के इसको 10 लाख में इसको चुना जाता है, इसको फिर भी बेरोजगार है, उसके काउंट होने के बाद फिर भी बेरोजगार। ऐसा तो ये अपने चुनाव के साथ तो नहीं करते, हाथों हाथ एकदम चुनाव की तारीख आती है, 1 महीने के अंदर अंदर इनको चुन के, 1 महीने इनको शपथ मिल जाती है, इनको सीट में, हम लोगों को 5 साल तक इतने एग्जाम देने के बाद पीरी दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, मेडिकल दिया, अपने कागज़ 2-2 बार चेक कराए, उसके बाद भी ऑफर लेटर भी भेज के हम लोगों को दूसरी जॉब छुड़वा के, उसके बाद भी हम लोगों को ज्वाइन दिया जा रहा, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, बस हमारी यही मांग है। तो ये लोग जो जंतर मंतर पे आए थे 5 साल से रेलवे की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी तक इनको 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक इनको सिलेक्ट नहीं करा गया, ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है लेकिन फिर भी इनको सिलेक्ट नहीं करा गया है। इससे पहले भी इन लोगों ने प्रदर्शन करा था लेकिन सरकार ने नहीं सुनी, ये कह रहे हैं जो सरकार जो 2 करोड़ रोजगार की बात करती है नहीं मिला है, 10 लाख लोगों तक को नहीं मिला है। तो इस पूरी बातचीत में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और देखते रहे जनता आवाज।